ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या क्या है। सांभर, आलू सब्जी, पोहा, उसल, गोवन मिक्स भाजी, पकौड़े, मूंग दाल कचौड़ी, अनियन वड़ा, इडली, अजवाइन पूरी, राइस, बॉइल्ड एग, सॉसेज, चिकन मिक्स, वेज, पोटैटोज, बीन्स, पॉरेज, कॉर्नफ्लेक्स, रोड से उपड़ा गोरी का माल। हाँ सिया, चलो जी अब दिन के टाइम पे हम जा रहे हैं पूल में। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लग रहा है, मौसम भी ऐसा बना है आज, मौसम भी क्लाउडी है, इसमें टैनिंग नहीं होगी। चलो चिया स्विमिंग करो। चलो सबाश, यस यस स्विम, यस चिया आप स्विम करो। चिया ये अपने होटल से पैलोलिम बीच के लिए। पैलोलिम बीच का रास्ता यहाँ से 1 घंटा है। वो जो बीच है गोवा के वो एक्सट्रीम साउथ पे पड़ता है ना, तो काफ़ी अच्छा बीच है। वहाँ से आप बोटिंग करके अलग अलग आइलैंड पे भी जा सकते हैं। देखते हैं अगर ज़्यादा धूप नहीं हुई तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। पैलोलिम एक्चुअली थोड़ा सा वन ऑफ द एंड में पड़ता है साउथ के एकदम, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल और बीच है इन साउथ गोवा। और क्राउडेड रहता है थोड़ा सा, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छा। और वहाँ से ही रास्ता जाता है बटरफ्लाई बीच के लिए एंड मंकी आइलैंड, ऐसे करके 2-3 प्लेसेस हैं जो आप बोट से जाते हो, फिशरमैन बोट रहती हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इफ एनीबडी वांट टू डू दैट तो, बट मतलब अगर आप साउथ गोवा में आए हो तो एक बार मस्ट है पैलोलिम जाना। सो हम जस्ट ऑन द वे हैं वहाँ जाने के लिए। तो चलते हैं, आपको भी नज़ारा दिखाते हैं। बट रास्ता बड़ा सुंदर है, देखो चारों तरफ ट्रीज और रोड भी अच्छी है। हाँ कुछ कह रही है तुम? नहीं पीछे, और पीछे लेडीज डिपार्टमेंट का अभी वो सनस्क्रीन वाला सेशन चल रहा है। सी आपको लग रही सनस्क्रीन? सी आ रहा जब सेशन चल रहा है। जी बस अब पहुंचने वाले पैलोलिम बीच। 1 घंटा लगा हमें यहाँ तक पहुंचने में। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं शाम यहाँ पे पैलोलिम में, है ना। देखते हैं अब पार्किंग है तो सही आगे। तो ये है पैलोलिम बीच, ये भी एकदम यू शेप में बना हुआ है। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे भी बोटिंग होती है, ये आइलैंड लेके जाते हैं। ये मंकी आइलैंड है, फिर इसके आगे
एक बटरफ्लाई आइलैंड है। तो शानू पूछ रहा है वहाँ पे बोटिंग के लिए। मिल गया, घुल मिल गया इनके बीच में। देखना देखना स्टाइल। बस ये हमारी बोट हो गई है रेडी, इस पे हम चलेंगे आइलैंड पे। सामने है ये मंकी आइलैंड, इस पे तो नहीं रुकते हैं, और बीच में बटरफ्लाई आइलैंड और हनीमून आइलैंड भी है, तो हम उतरेंगे हनीमून आइलैंड पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों नहीं जाएगी? यस 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 यस। ये वापस हमें बीच तो ये सामने जो है ये बटरफ्लाई आइलैंड है, तो आपको शेप में दिख रहा होगा कि दोनों तरफ से विंग्स जो है माउंटेन्स के बटरफ्लाई शेप के हैं, और ये बीच में बटरफ्लाई आइलैंड है। यहाँ पे जो है लोग जो है यहाँ पे ये बोट रोकते नहीं है, ये सिर्फ एक ही बीच पे रोकते हैं, तो यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं या तो फिर ट्रैक करके आते हैं यहाँ से। ये ट्रैकिंग करके आए हैं शानू सारे के सारे। बटरफ्लाई बटरफ्लाई ना, देखो सामने से देखो ये लोग कैसे पहुंचे भैया यहाँ पे। अच्छा कितने देर का ट्रैक है वहां से? एक घंटा लगता है। अच्छा ये पहुंच गए हनीमून आइलैंड पे, यहाँ पे ये हमें उतारेंगे आधे घंटे के लिए। ये आपको टर्टल जैसा लग रहा है ना, ये तो टर्टल रॉक है ये। तो ये हमारा पैलोलिम बीच पहुंचने वाले हैं वापस, और ये हमारी नाव पहुंच गई है किनारे पे। ये ओ बहुत पीछे लहर, उस लहर में कैसे चीनिंग वाले आए थे, उन्होंने बड़ा क्यूट सा एलिफेंट बनाया, उन्हें बहुत अच्छा नोट छोड़ा है उन्होंने। हेलो, अब हम
खाना खा के आ गए हैं और अब हम जाएंगे थोड़ी देर बाद बीच पे। बीच पे जाएंगे हम और नहाएंगे। हमारा बस ये लास्ट दिन है गोवा में, कल हमारी फ्लाइट है। अभी तो आए थे शानू सिया फिर शाम को हम निकल गए काबोडीरामा की तरफ। जो काबोडीरामा है वो बेसिकली ए हाइट पे बना हुआ है जहाँ से सी आपको नीचे दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। तो ये अभी ज़्यादा एक्सप्लोर जगह नहीं थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। अगर आप कभी साउथ गोवा जाओ तो काबोडीरामा अपने चेकलिस्ट में ज़रूर रखना और आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो हमने सनसेट वहाँ पर एन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। बस कुछ देर बाद जब अंधेरा हुआ वहाँ पे लाइव म्यूज़िक शुरू हो गया और लाइव म्यूज़िक पे हमने कुछ देर डांस भी किया जिसमें हमें काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ पे लोग जो बैठे थे उन्होंने भी। तो बस ये थी हमारी पूरी गोवा सीरीज़ की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं एक और अच्छी सी सीरीज़ में जल्द ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चलो जी बाय बाय है फेयरफील्ड को, गोवा को अब बैठ गए हम। बाय बाय। चलो बाय बाय गोवा। फ्लाइट में सिर्फ उठना शानू तो वैसे हमारी फ्लाइट हो रही स्पाइसजेट, झूमते जानते पहुंच रहे हैं।